स्टूडेंट्स के लिए ये 5 पॉइंट्स बहुत इंपॉर्टेंट है, आर फॉर रिवाइज, रेगुलरिटी, पेशेंस, पॉजिटिविटी एंड पंचुअलिटी। क्या प्रॉब्लम मैं बताता हूँ, हमारा पढ़ने का मन ही नहीं करता, पढ़ते वक्त नींद आती है, लंबी सिटिंग नहीं हो पाती है, पढ़ने की कोशिश कर रहे हैं और पढ़ते भी हैं पर याद नहीं होता। मैं कुछ क्वेश्चन आपसे पुट कर रहा हूँ जो कि किसी भी बच्चे के हो सकते हैं, ठीक है, कोई भी आईआईटी या नीट एस्पिरेंट के जो क्वेश्चन हो सकते हैं वो हम पुट कर रहे हैं, पर इसके जवाब जो भी अभी के होंगे। पहला क्वेश्चन अभी ये है कि ऐसी कौन सी चीजें थी, मतलब आपके अंदर, किसी बच्चे के अंदर आपके हिसाब से ऐसी कौन सी बातें होनी चाहिए जिसकी अगर वो बातें हो तो वो सिलेक्शन ले सकता है, ठीक है ना, या आपके अंदर पर्सनली खुद के अंदर, ये नहीं कि जी पेरेंट्स ने सपोर्ट किया और वो कहानियां शुरू कर दो, वो नहीं, आपके अंदर खुद के अंदर क्या ऐसी चीजें थी जिनकी वजह से आपका सिलेक्शन हुआ, पहली चीज। दूसरी चीज, आपके अंदर ऐसी क्या कमियां थी कि जिनकी अगर वो ना होती तो शायद और अच्छी रैंक आ जाती, ठीक है ना, मतलब वो बेसिकली किसी बच्चे के अंदर जो बच्चा कमियां छोड़ देता है वो कमियां आपको बतानी है, ठीक है। आई थिंक अच्छे क्वेश्चन हैं दोनों। और तीसरा क्वेश्चन ये रहेगा इसके अंदर कि ओवरऑल मतलब जो है बच्चे क्या करें, कुछ भी मतलब जो है उनको, उनका मतलब माइंड सेट क्या होना चाहिए, उनकी मतलब थिंकिंग कैसे होनी चाहिए, कितने घंटे पढ़ते थे, पहला क्वेश्चन, और बोलो अगला क्वेश्चन, स्लिप कितनी, दूसरा क्वेश्चन, क्वेश्चन क्वेश्चन नोट कर रहे हैं आपका, सोना कितनी देर सोते थे, टाइम मैनेजमेंट, टाइम मैनेजमेंट कैसे करते थे, अगला क्वेश्चन, 12th के साथ नहीं हो पाया, क्यों नहीं हो पाया, ये अगला क्वेश्चन। ओके और बोलो, बुक्स फॉलो करते थे, बहुत अच्छा क्वेश्चन है, और बोलो, हां जी और बोलो, कम नंबर से ठीक होता है, हां वो भी ठीक है, और बोलो, प्लस 1 में, प्लस 2 में बहुत जोश रहता है, छोड़ देंगे ऐसे कर देंगे ऐसे कर देंगे, चलो प्लस 2 के बाद एक ड्रॉप ले ली उसमें बहुत रहता है, लेकिन जो बंदा दूसरा ड्रॉप लेता है उसकी कंसिस्टेंसी पूरी टूट चुकी है, वो बंदा ना भी सबसे पहले लेते हैं आपकी बातें, इसकी बातें सुनकर तो मैं टूट गया। ये कह रही है चलो प्लस टू में कोई बात नहीं सिलेक्शन नहीं हुआ, ड्रॉप में ड्रॉप कर लिया, बड़ा जोर लगा दिया, उसमें भी सिलेक्शन नहीं हुआ, दूसरे ड्रॉप में तो छूटी गई, तो एक डाउट ये भी है इसका, ठीक है ना, ये सेकंड ड्रॉप ऐसा बिचा नहीं कर, तो आपको ना, हाँ जी, ये सारे क्वेश्चन समझ आ गए, अभी हम अभी को बोल देते हैं, यस अभी, ओके, अब आपका है। हेलो एवरीवन, आई एम अवि मित्तल और मैंने 11th और 12th स्कूलिंग की थी, कोई एकेडमिक नहीं था मेरे पास, और मैं स्कूल से पहले मतलब स्टार्टिंग में तो मैं ये भी कंफ्यूज था कि मैं मेडिकल साइड लूँ या फिर नॉन मेडिकल साइड लूँ, परंतु फिर मेरा मेन एम यूपीएससी करने का है, तो उसी को मैंने सोचते हुए कि डॉक्टर आईएएस अवि मित्तल, इस नाम को सोचते हुए मैंने एमबीबीएस का एक डिसीजन लिया, और फिर मैंने नीट को क्रैक करने का एक डिसीजन लिया मेरा, और उसी पाथ पे फॉलो करते हुए मैंने फिजिक्स पॉइंट पे आके एडमिशन लिया था, और वो एडमिशन ले मैंने जो लिया वो मेरा एक बेस्ट डिसीजन था हमेशा का, कि मैंने फिजिक्स पॉइंट को चूज़ किया फॉर फिजिक्स, पूरे हिसार में फिजिक्स पॉइंट इज़ द मोस्ट एक्यूरेट एंड ब्रिलियंट हब ऑफ फिजिक्स। मेरी सक्सेस के अंदर डीके गोयल सर का बहुत बड़ा रोल है, इन्होंने हर समय पे हर क्वेश्चन के लिए मेरे को स्पेशल अब कोचिंग भी दी थी, एक टाइम भी दिया, मतलब एक हेल्पफुल मोटिवेशन एज अ फ्रेंड एंड एज अ टीचर, हर पॉइंट पे मेरी हेल्प की है, और इस स्टेज पे अगर मैं आज आया हूँ तो इन्हीं की पूरी हेल्प है मेरे साथ, तो मैं आज यहाँ पे खड़ा हूँ और आप सभी को एड्रेस कर रहा हूँ, थैंक फॉर एंड क्लैपिंग फॉर सर। अब सबसे पहले तो क्वेश्चन ये आता है कि सक्सेस होने के लिए क्या जरूरी है, कि मैंने ऐसा क्या किया जो सारे बच्चे कर सकते हैं और सक्सेस हो सकते हैं। मेरा एक रूल था 2R और 3P का, जो मैं अपने आप को हर रोज समझाता था सुबह उठ के 5 मिनट, कि ये रूल फॉलो करना ही करना है, अगर हम ये रूल फॉलो करते हैं तो सक्सेस मिलना स्वाभाविक हो जाता है अपने लिए। स्टूडेंट्स के लिए ये 5 पॉइंट्स बहुत इंपॉर्टेंट रहते हैं। फर्स्ट ऑफ ऑल रिवाइज, आर फॉर रिवाइज, कि आप कॉन्सेप्ट और सिलेबस को रिवाइज करो अगेन एंड अगेन, आर फॉर रिवाइज। आर फॉर रेगुलरिटी, आपको हर एक चीज रेगुलर इंटरवल पे और रेगुलर पॉइंट ऑफ व्यू से उसको रिवाइज करना है, रिवाइज रेगुलरली। एक कॉन्सेप्ट ये बनता है स्टूडेंट्स के लिए, ताकि जब वो टेस्ट में जा रहा है तो अभी उसका कॉन्सेप्ट क्लियर है, क्योंकि उसने रिवाइज किया है हर पॉइंट के ऊपर। इसके बाद जो आता है पी, उसके था कि पेशेंस और पॉजिटिविटी एंड पंचुअलिटी। पेशेंस और पॉजिटिविटी हम एक साथ लेके आते हैं, क्योंकि मान लीजिए 2 बच्चे हैं हमारे पास,
वो दोनों फिजिक्स का कोई कॉन्सेप्ट सोल्व करने की कोशिश कर रहे हैं और एक बच्चा चार अटैम्प्ट कर चुका है, दूसरा भी चार अटैम्प्ट कर चुका है, उनसे सोल्व नहीं हो रहा। एक बच्चा तो पेशेंट है और एक इम्पेशेंट बच्चा है। जो इम्पेशेंट वाला है वो क्या करेगा, गूगल कर लेते हैं या फिर कोई हेल्प बुक में जाके इसका आंसर चेक कर लेते हैं। पर जो पेशेंस वाला बच्चा है वो क्या करेगा, डीके गोयल सर आएंगे क्लास में, उनसे पूछते हैं कोई कुछ नया कॉन्सेप्ट सीखने को मिलेगा। उसमें पेशेंस था, उसने कुछ नया सीखा, पॉजिटिविटी, कुछ पॉजिटिव पार्ट सीखने को मिला। पर जो वो बच्चा था उसके साथ क्या हुआ, शॉर्ट टर्म के लिए उसने आंसर मिल गया, एक बार वो खुश है कि कल क्लास का टेस्ट है उसमें मेरे मार्क्स आ जाएंगे, एक बारी के लिए पॉजिटिविटी उसको साफ दिख रही है। परंतु क्या लॉन्ग टर्म में वो क्वेश्चन उसको याद रहेगा, क्या उसको कॉन्सेप्ट सीखने को मिला कुछ नया, जो उसने सीख रखा था वही उसके पास है, परंतु जो पेशेंस वाला बच्चा था उसको पॉजिटिव पार्ट में क्या मिला, कुछ नया सीखने को मिला। ये आता है कि मेन पेशेंस एंड पॉजिटिविटी बहुत इंपॉर्टेंट होती है। और थर्ड आता है पंचुअलिटी। आपने जैसे पूछा था कि पंचुअल कैसे थे आपके, मतलब आपने मैनेज कैसे किया आपकी स्लीप और स्टडीज को, तो वो बताता हूँ कि आप में से कितने बच्चों का अब टाइम टेबल है, बताइए आपको है एक्चुअल टाइम टेबल जो है और उसका पंचुअल है वो, चाहे फिर सिर्फ जो लगा के छोड़ रखा वो नहीं, बस यही है। अभी जो पूछा था स्लीप साइकिल और स्टडीज को आपने मैनेज कैसे किया, क्योंकि मैं पंचुअल था, एक टाइम टेबल था मेरा, मैं हिसार में इनकी पीजी में ही रहता था, देखिए सर की पीजी में ही रहता था, उस पीजी में सर को भी पता है कि मेरा 5 आवर्स की होती थी स्लीपिंग मैक्सिमम पर डे, क्योंकि एक नॉर्मल पर्सन जब स्टडी कर रहा है और कोई फिजिकल हार्डवर्क नहीं कर रहा तो साइंस के अकॉर्डिंग भी 5 to 6 आवर्स स्लीपिंग उसके लिए मोर देन सफिशियंट होती है। इसी के कारण कि मैं 4 बजे उठता था सुबह और 5 बजे तक मैं तैयार होता था। सुबह 5 बजे सर आते थे हमारे पास कुछ काम, तो उस टाइम जब सर आते थे मैं उस टाइम भी शूज़ पहन के भी वो मिलता था सर को, जाकर मेरे को अकेडमी में आना है 5 बजे, क्योंकि 5 से 8 मुझे पढ़ना होता था, 3 घंटे मैं रेगुलर पढ़ता था सुबह सुबह, क्योंकि पता है कि 8:15 जब हमारी अकेडमी स्टार्ट होगी उस टाइम दोबारा तैयार होने का टाइम नहीं होगा हमारे पास। फिर 8:15 तक हम करते थे ब्रेकफास्ट, 8:15 से 2:15 तक अकेडमिक्स, क्योंकि मैं +2 का और ड्रॉपर का फिजिक्स बैच इकट्ठा लगाता था, 2 बैच लगाता था मैं हर रोज, और 2:15 के बाद मैं 3 बजे तक लंच और ब्रेक, फिर 3 से 5 पढ़ता था, 5 बजे आधे घंटे का ब्रेक, फिर 8:30 तक स्टडी, फिर 9 से लेके 11 तक, 11 to 4 5 आवर्स की स्लीप मेरी कॉन्स्टेंट और परमानेंट होती थी। सभी बच्चों से मैं यही था कि मेरे को बस इस टाइम को डिस्टर्ब मत करना, क्योंकि इस टाइम अगर डिस्टर्ब किया तो मेरा पूरा दिन का एक रूटीन खराब हो सकता है। अब कुछ बच्चे कहेंगे कि हम पीजी में नहीं रहते, हम तो हमारे घर से बिलोंग करते हैं। कौन कौन है जो पीजी में नहीं रहता, मोस्टली बच्चे वो ये जो पीजी में नहीं रहते, तो उसका यही है कि आप टाइम टेबल बनाओ और उसमें पंचुअल रहिए, और वो टाइम टेबल आप अपनी फैमिली के साथ शेयर कीजिए। जैसे कि मैंने मेरी पूरी फैमिली का एक व्हाट्सएप ग्रुप बनाया था वे टू सक्सेस, उस नाम से आपको क्या मिला, एक पॉजिटिविटी और एक पॉजिटिव एनर्जी है हमेशा। मेरा क्या काम होता था, मेरा क्लास टेस्ट हुआ, चाहे मेरे मार्क्स 100 में से 5 मार्क्स आए हों, तो भी मैं उस पर खुद अपडेट कर देता था मेरा OMR और मेरे मार्क्स विद आंसर की। क्यों? क्योंकि मेरे को झूठ नहीं बोलना, कोई एक्सक्यूज नहीं बनाना, क्योंकि जहाँ पे जब तक टेस्ट चेक हो गए मार्क्स पहुँचते थे तब तक मेरा आंसर शीट और मेरे मार्क्स घर पर पहुँच चुके हैं। क्यों? क्योंकि मुझे मेरे पे फेथ था, मेरी फैमिली पे मुझे विश्वास है कि मेरी फैमिली मुझे सपोर्ट करती है। अब मैं जब घर पे शिफ्ट हो गया, पीजी बंद हुई थी कुछ कारणों के कारण, तो मैं जब घर पे शिफ्ट हुआ तो मैंने एक टाइम टेबल फैमिली के साथ शेयर किया, एक कॉपी मैंने रखी मेरे रूम में, एक कॉपी उनको दे दी, ताकि जो टाइम मेरा पढ़ने का टाइम है उस टाइम मुझे डिस्टर्बेंस नहीं चाहिए। मुझे मतलब ये मत कहना कि अभी ये काम कर दे, अभी कुछ लेके आना शॉप से वो ले आ, जिस टाइम पढ़ना है उस टाइम मेरे को पढ़ना है, जब मैं 1 घंटा बीच में फ्री होऊंगा उस टाइम जो भी आप काम करोगे मैं काम करूंगा। दिस इज पंचुअलिटी। आपको पंचुअल होना पड़ेगा, टाइम टेबल बनाना पड़ेगा आपको सक्सेस चाहिए तो, ठीक है। अभी आप सभी के ये बताओ कि मोस्ट प्रॉब्लम्स क्या क्या आती है, जैसे कि 4 प्रॉब्लम मैं बताता हूँ, अगर उनमें से किसी बच्चे को कोई प्रॉब्लम मिलती है तो मैं डिस्कस करता हूँ, वरना उनको मैं स्किप कर देता हूँ एक बारी के लिए। फर्स्ट प्रॉब्लम कि हमारा पढ़ने का मन ही नहीं करता, किस किस के साथ होता है मोस्टली बच्चे हैं, पढ़ते वक्त नींद आती है, बुक्स पे सो जाते हैं सिर के। तीसरा, लंबी सिटिंग नहीं हो पाती है, वो कौन है, चलो ठीक है। चौथा बच्चा, पढ़ने की कोशिश कर रहे हैं और पढ़ते भी हैं पर याद नहीं होता या सोल्व नहीं होता, ठीक है। तो
मोस्टली प्रॉब्लम बच्चों में यही रहती है। इन चारों पे अगर मैं बात करूँ, जो बच्चे वो कहते हैं ना कि हमारा पढ़ने का मन ही नहीं करता, उनके लिए बात थोड़ी हार्श हो सकती है कि उनका कोई एम और कोई गोल सेट ही नहीं है। आपसे पूछता हूँ मैं, आपने मेडिकल साइड क्यों ली है? गोल सेट है ना, तो पढ़ाई का मन होना चाहिए। जो इस बच्चे का गोल सेट होगा ना, जिस बच्चे का अंदर से आवाज आएगी कि मुझे करना है, वही बच्चा पढ़ सकता है। अगर आपके सेल्फ मोटिवेशन से आवाज नहीं आ रही ना कि आपको पढ़ना है, तो आप कभी नहीं कर पाओगे। अब बात आती है सेल्फ मोटिवेशन कहां से क्रिएट करें, उसका कोई एक्सटर्नल सोर्स नहीं मिलेगा। अब आज मैं मोटिवेट कर रहा हूं आप सभी को, जिसको करना है ना वो ही सुन रहा है, जिसको नहीं करना वो नीचे नीचे फोन यूज कर रहा होगा अभी भी, या उसका माइंड कहीं और ही है। सर ने आपको अब किया मोटिवेट, तो वो आपको एक दिन या मैक्सिमम दो दिन या मैक्सिमम तीन दिन इग्निशन पे रखेगा। उस इग्निशन को आप हवा दे के आग में बदल सकते हो। क्यों? क्योंकि यू आर द अनलिमिटेड सोर्स ऑफ सेल्फ मोटिवेशन एंड एनर्जी। आप जब तक खुद को अब क्रिएट नहीं करोगे, खुद को आप ताकतवर नहीं बनाओगे कि मुझे ये करना है, तो आप नहीं कर सकते। मेरे को बिलीव था, सर से आप पूछोगे, मैं जिस दिन फर्स्ट डे आया था उस दिन से मेरी फेयर कॉपीज, डीपीपीज, सक्सेस मैग्नेट्स, रजिस्टर्स, अटेंडेंस चार्ट, जो हमारी इमेजेस लगती थी बोर्ड के ऊपर, और पीजी के अंदर मैं डॉक्टर अवि मित्तल लिखता था फर्स्ट डे से। यस सर, आपको उस दिन से आपको एहसास होगा कि डॉक्टर अवि मित्तल जब आपको कोई कहेगा, आप में क्या फीलिंग आएगी। वो फीलिंग आपको सेल्फ मोटिवेट करती है। डॉक्टर अवि मित्तल, आप जो भी नाम है, डॉक्टर डैश डैश, आप अगर अपना नाम लिखना स्टार्ट करोगे तो आपको सेल्फ मोटिवेशन मिलेगा। आप ये कर सकते हो कि आप जहां बैठ के पढ़ते हो, अपनी मेज कुर्सी जो भी है आपकी, अपनी फ्रंट वॉल के ऊपर आप एक चार्ट ले आओ, उस पर नाम लिख लो अपना। जैसे कि मैंने डॉक्टर की पूरी फुल ड्रेस के अंदर एप्रन विद स्टेथोस्कोप में मेरा फोटो शूट करवा के मैंने वॉलपेपर लगा रखा था, मेरे कंप्यूटर पे, मेरे मोबाइल पे, जहां जहां भी मतलब मेरी नजर जाए, मेरे को एक ही चीज दिखती थी, क्या? एम्स दिल्ली का कॉलेज का फोटो और मेरा खुद का फोटो इन डॉक्टर ड्रेस एंड डॉक्टर अवि मित्तल नेम। जिसके कारण आपको हर समय मोटिवेशन मिलता है। अगर आपका पढ़ने का मन नहीं भी होगा ना, तो भी आपका पढ़ने का मन बन जाएगा ऑटोमेटिकली। क्यों? आपको पता है अगर अब आपने मेहनत नहीं करी ना, तो सारी उम्र आप धक्के खाओगे। अगर आप डॉक्टर बन जाते हो, सारी उम्र आप ऐश करोगे। सबसे बड़ी बात, आप यही सेल्फ मोटिवेशन के लिए आप यूज कर सकते हो। और जो बच्चे कहते हैं नींद आती है और लंबी सिटिंग नहीं हो पाती, मैं खुद इस फेज से गया हूँ। सर को पता भी होगा, कई बार जब सुबह सुबह आते थे, मैं सोया मिलता था बुक्स के ऊपर। एक दो बार तो सर के साथ ऐसा हुआ भी, पांच पांच मिनट सर बैठ के मेरे पास घूर रहे हैं, मैं सोया हुआ हूँ 5 मिनट के लिए लगातार। तो उस टाइम आप क्या कर सकते हो कि मैंने उसको खुद को एहसास किया कि मैं हो जाता है कई बार, तो उसको मैंने ओवरकम कैसे किया। फर्स्ट ऑफ ऑल हमें अपना कंफर्ट जोन छोड़ना पड़ेगा। व्हाट इज कंफर्ट जोन? एनीवन? सही है, और कुछ? प्रॉपर जो काम करने में हमें मजा आता है वो हमारा कंफर्ट जोन है। टीवी, पबजी, सीओडी, मूवीज, वेब सीरीज, YouTube, Instagram, YouTube चैनल मेरी हैबिट थी, एडिक्शन नहीं था। फ्री टाइम और स्पेयर टाइम में यूज करता था उसको, वीकली एक बारी। इस तरह आप अपने कंफर्ट जोन को छोड़ के जब आप हार्श जोन में आने की कोशिश करोगे ना, और आप पंचुअलिटी के अकॉर्डिंग एक टाइम टेबल बनाओगे, आप ये देखोगे इतने हावर्स में सोया, इतने हावर्स में को मेरे सेल्फ टाइम चाहिए, खाना पीना वगैरह सब कुछ, और इतना टाइम मेरा अकेडमिक्स का था, तो भी ये 7-8 घंटे जो मैं वेस्ट कर रहा था हर रोज इस अदर एक्टिविटीज के अंदर, वो मेरे पास बच गए। इनका क्या करूं, पढ़ो बैठ के। अब जो नींद वाली बात आती है, उसमें क्या करते हैं, अब सर्दियों में बच्चा क्या कर रहा है, बेड पे लेट के रजाई ओढ़ ली, एक पिल्लो लगा लिया, और ऐसे पढ़ने, ऐसे पढ़ते हैं सारे, मोस्टली बच्चे ऐसे ही पढ़ते हैं। बहुत कम बच्चे होंगे जो एक कुर्सी पे बैठते हैं और सिर्फ कोट पहन के, आप रजाई कंबल ओढ़ के मत बैठना, बॉडी में हीट पैदा होगी और आपको नींद आ जाएगी, पता भी नहीं चलेगा। कंफर्ट जोन को आपको छोड़ना पड़ेगा। और गर्मियों में काउच पे मत बैठना, और बेड पे कभी भी एक एसी कूलर के सामने मत बैठना। कूलिंग हो रूम में बहुत अच्छी बात है, पर बिल्कुल सामने मत बैठना, उससे नींद आती है। ओके, दूसरी बात जो कहते हैं कि सीटिंग वाली, सीटिंग में आप अपने आप को ललचाइए, ब्राइब कीजिए अपने आप को, रिश्वत दीजिए कि मुझे अगर मैं पढ़ूंगा तो मेरे को क्या मिलेगा। जैसे कि कुछ बच्चों को चिप्स का शौक है, मान लो आप एक चिप्स का पैकेट ओपन कर लो, सामने रख लो उसको, फिजिक्स के अगर मैं 5 क्वेश्चन करूंगा तो मेरे को एक चिप खानी है,
मैं मेरे साथ खुद के साथ यही करता था कि 5 क्वेश्चन के बाद मेरे को एक चिप खानी है, तो क्या होगा अगर उस पैकेट में 30 चिप्स थे टोटल, आपने 150 क्वेश्चन सोल्व कर लिए, अगर एक क्वेश्चन सोल्व करने के आपको 2 मिनट लगे, आपने 300 मिनट लगाए, मतलब 5 घंटे आपने सीटिंग दिए लगातार एक चिप्स के पैकेट के लिए, तो 5 घंटे की सीटिंग, 150 क्वेश्चन, एक चैप्टर फिनिश, एक टेस्ट की प्रिपरेशन होगी, लगा क्या एक चिप्स का पैकेट। तो एक चिप्स का पैकेट से आप 2 हैबिट्स सुधार लिए अपनी, ना तो आपको नींद आई, तो यार आपका पढ़ने मन बन गया, एडिक्शन हो गया अंदर से, और साथ में सीटिंग बन गई। अब वो तो आप सभी को पता होगा 21 and 90 फॉर्मूला, नहीं पढ़ा कोटा फैक्ट्री में सुना उसे 21 डेज वाली हैबिट, उसका नाम है साइंटिफिक नेम 2190 है, कोटा फैक्ट्री सबको याद आता है। देखो 21 डेज अगर आप कोई काम करते हो वो आपकी हैबिट बन जाती है, 21 डेज आप कंफर्ट जोन को छोड़ो, पढ़ाई की तरफ आने की ट्राई करो, आप पढ़ाई की अंदर से आवाज आएगी हमें पढ़ना है, और आप 90 डेज तक इसको कैरी फॉरवर्ड कर पाते हो तो आपकी लाइफस्टाइल बन जाती है, आपको पढ़े बिना नींद भी नहीं आएगी। ये मैंने एक्सपीरियंस किया, पहले 21 डेज तक लेके गया उसको, फिर मैं उसको 90 डेज और करते करते 2 ईयर्स तक मैंने इसको फॉरवर्ड किया है लगातार 2 ईयर्स। जिस दिन मैं नीट का एग्जाम दे के आया उसके अगले 2 दिन तक तो मैं ऐसे फिर रहा था पागल होते रहेंगे मैं क्या करूं, तब भी मैं बायोलॉजी वगैरह पढ़ रहा था उस टाइम बैठ के, क्यों छोटे भाई बहन को मैं पढ़ा रहा था। अब कुछ बच्चे होते हैं सर हमारा फोन है उस पर नोटिफिकेशन आ जाती है, पिंग हो जाता है अपने आप को, बस मन लग जाता है उसमें, किसी की आ गया मैसेज लग गए चैट करने, यूट्यूब पे कोई मैसेज आ गया लग गए उस पर करने बात। तो बात ऐसी थी कि फैमिली लिंक नाम का एक ऐप है उसको आप यूज़ कर सकते हो, मैंने खुद 1 साल तक अपने पापा को दिया था फैमिली लिंक कि मेरे फ़ोन पे आप इसका एक लॉक होगा, जब तक मैं नहीं चाहूँगा पापा को मैं रिक्वेस्ट करूँगा जाकि मेरे को व्हाट्सएप यूज़ करना है 5 मिनट, तभी व्हाट्सएप अनलॉक होगा 5 मिनट के लिए सिर्फ, इसको आप यूज़ कर सकते हैं। अभी मेरी छोटी सिस्टर पढ़ रही है उसके फ़ोन पे मैंने लगा रखा है फैमिली लिंक, क्यों फैमिली लिंक अगर आप लगा लोगे तो आपको पढ़ने का, क्योंकि फ़ोन में कुछ होगा नहीं साथ में, अभी कुछ है नहीं, क्या करोगे 2 दिन टाइम पास कर लोगे, 3 दिन, चौथे दिन आपको पढ़ना ही पड़ेगा। और चौथी बात वो आती जो बच्चे कहते हैं हम ट्राई करते हैं आराम से नहीं हो पाता, उसमें उसमें विश्वास, खुद पे विश्वास नहीं है, सेल्फ फेथ की वो है कमी। कैसे, साइकिलिंग किस किस को आती है, बाइकिंग किस किस को आती है, कार ड्राइविंग किसको आती है, स्विमिंग किसको आती है, अब तू बता मेरे को, क्या जब तूने ये 4 इवेंट्स सीखे उसके जस्ट पहले वाले दिन तक आते थे ये इवेंट्स, नहीं आते थे ना, क्या जब तेरे मतलब पेरेंट्स ने साइकिल परचेज करके दी और फर्स्ट डे उस पर तेरे को दी, क्या तूने उस टाइम यूज़ कर पाया उसको, नहीं हो पाया ना, क्या कारण था। और जब भी आपने फर्स्ट डे यूज़ किया आप गिरे भी, आपने चोट भी खाई, फिर भी अंदर क्या उम्मीद थी, मैं सीखूंगा, आप वही रखे, आपसे एक कॉन्सेप्ट एक बारी में नहीं समझ में आ रहा, 2 बारी में नहीं 3 बारी में नहीं, आप कोशिश करते रहे, निरंतर अभ्यास करोगे तो होएगा। आपने वो सुनी होगी कि एक पानी की बूंद एक पत्थर पे गिरती है, फर्स्ट अटैम्प्ट में वो पानी की बूंद बिखर जाती है, लगातार वो बूंद गिरना शुरू करो पत्थर फट जाता है, अगर पत्थर फट सकता है तो आप तो क्या होगे, आप सीख सकते हो। तो मतलब मेन ये आता है कि सेल्फ मोटिवेशन, सेल्फ फेथ एंड फेथ ऑन टीचर इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। ये 4 प्रॉब्लम्स जो सब बच्चों के साथ आती थी मेरे साथ भी आई है, मैंने एक्सपीरियंस किया और मैंने इनको कैसे ओवरकम किया मैंने वो बताया, और कोई प्रॉब्लम है तो अभी आप पूछ सकते हो, फिर मैं आगे थोड़ा वो करता हूँ डिस्कस। बताया तो सही मैंने, सेल्फ मोटिवेशन क्या होगा तो नहीं होगा, वॉकिंग करो हर आधे घंटे या 1 घंटे के बाद आप उठ जाओ 5-7 मिनट के लिए, हर 20-25 मिनट बाद आपको जब भी नींद का एहसास भी हो ठंडे पानी से मुंह वॉश करके आओ, उसका इफेक्ट 15-20 मिनट पक्का रहेगा। आप 3-4 दिन तक करोगे फिर आपकी हैबिट बन जाएगी, फिर आपको नींद नहीं आएगी। और कुछ बायोलॉजी के लिए मैंने डॉक्टर अली एंड मास्टर द एनसीईआरटी मेरी फर्स्ट चॉइस थी, क्योंकि वो दोनों बुक्स ऑनलाइन ओनली एनसीईआरटी बेसिस होती है, आपको अगर एक्स्ट्रा कुछ प्रैक्टिस करना है तो एल और आकाश के मॉड्यूल्स होते ही हैं। और केमिस्ट्री फिजिक्स के लिए तो मैं कुछ नहीं कहूँगा, DPP एंड सक्सेस मैग्नेट इज रामबाण गीता फॉर दिस, सर ने जो दिया था मैंने वही किया। और जब मैं फर्स्ट डे आया मैं बताऊँ आपको कि मतलब मेरी फर्स्ट डे एक DPP मिली 20 क्वेश्चन की, मैंने कर ली। नेक्स्ट डे जब मैं आया वो फेज कंप्लीट होना था, 5th फेज में आया था मैं, और सर ने सक्सेस मैग्नेट दे दी, मैंने सोचा ये भी कोई DPP होती होगी, उसमें थे 220 क्वेश्चन कैपेसिटर वाली DPP थी। अब मैंने नेक्स्ट डे आके पूरी वो कर दी सबमिट सोल्व, सर ये तुमने सोल्व कर ली, हाँ ये तो 1 हफ्ते में करनी होती है, सक्सेस मैग्नेट है। तो मैं तो वहाँ से हैबिट ही बन गई, सक्सेस मैग्नेट जो कुछ हो, अगर होमवर्क है तो होमवर्क है,
सर ने मेरे को एक दिन तीन डीबी पे तीन सक्सेस मेंशन दी थी सिक्स सेवन एट फेज की, वो कुछ लेट हो गई थी पाँच सात दिन, तो मैंने नेक्स्ट इवनिंग लगाई थी पूरी और नेक्स्ट डे लगा के मैंने पूरी पूरी सबमिट की थी। तो वहाँ से आपको सेल्फ मोटिवेशन मिलता है कि आप फिजिक्स कर सकते हो, और फिजिक्स मेरा फेवरेट सब्जेक्ट भी है इसी कारण, क्योंकि जितनी फिजिक्स तो यही है कि आप जितनी ज़्यादा प्रैक्टिस करोगे ना, निरंतर अभ्यास मांगता है, वही बात आ गई आर और आर रेगुलर रिविजन, यही पाँच पॉइंट ऐसे हैं, इनको आप जब तक यूज़ करोगे आपसे कोई दिक्कत नहीं आएगी। उसके बाद अपने पास ये आता है कि कभी भी आप ओवर कॉन्फिडेंट मत होना कि मैं ये कर सकता हूँ। अब नीट हार्ड है या फिर आसान है, कौन बताएगा मेरे को? नीट हार्ड हो रही थी और कोई इजी है, किस पॉइंट ऑफ व्यू से? उस आपने नीट को इजी बोला, इसके दो मतलब हो सकते हैं, या तो आपको सब कुछ आता है आप नीट क्रैक कर सकते हो, या अंदर से आवाज़ आ रही है कि आप नीट क्रैक कर सकते हो, और तीसरा होता है सेल्फ मोटिवेशन। अब तक आप जिस स्टेज पे लग रहे हो मेरे को सेल्फ मोटिवेशन दिख रहा है आप में, परंतु जो बच्चा एग्जाम से दो महीने पहले आके ये बोल देता है इजी है, उसके साथ मोस्टली चांसेस ये होता है कि वो बच्चा ओवर कॉन्फिडेंट है। एक बच्चा कहेगा कि मैं नीट क्रैक कर सकता हूँ एग्जाम जब दूंगा, मेरे को विश्वास है, एक कहेगा नीट तो हो गया रही मेरा, होया पड़ा नीट तो कोई बात नहीं, होता है ऐसा बच्चा, वो बच्चा ओवर कॉन्फिडेंट है। वो बच्चा जब एग्जाम पूरा करके आएगा तो भी कहेगा मैंने सारा कर दिया वो कर दिया, जब उसका रिजल्ट आएगा कुछ भी नहीं होगा उससे। नेवर बी ओवर कॉन्फिडेंट, क्योंकि ओवर कॉन्फिडेंस आपको नुकसान देगा, और नीट है ये, एक बार नुकसान होगा तो पूरी एक साल गई आपकी, एक साल फिर से मेहनत करनी पड़ेगी। और कभी भी अपने आप से एक्सक्यूजेस मत बनाना। क्लास टेस्ट होते हैं अब यहाँ पे 120 मार्क्स का होता है, अभी तक 120 मार्क्स का जब आपका टेस्ट हुआ, एक बच्चे के तुम्हारा 20 मार्क्स आए, एक के 120 मार्क्स आए, अब 20 मार्क्स वाला बच्चा घर जाके क्या कहेगा? पापा पापा पेपर हार्ड आया था, कहेगा ना, अभी पेपर वहाँ से आया था, क्वेश्चन वहाँ से आया था जो हमारा सिलेबस हुआ ही नहीं, क्लास में अब तक डिस्कस ही नहीं हुआ, आउट ऑफ सिलेबस पैटर्न था, होती है ये डिस्कशन। अब मान लो कल क्या, कल को आपके पापा सर के पास मिलने आ गए, वो सर को आगे कहेंगे सर आपने वो टेस्ट में क्यों दिया जो बच्चे वो था ही नहीं, अब सर ने इसको खड़ा कर दिया भाई इसके तो 120 नंबर है। अब आपके पापा की क्या इमेज होगी वहाँ पे, क्या कहेंगे आपके पापा? फिर आप घर जाए कुछ और एक्सक्यूज दोगे। तो कभी भी एक्सक्यूजेस मत दो, अपने अंदर वीक पॉइंट्स को सर्च करो कि आपकी क्या कमियां थी कि आपके सिर्फ 20 नंबर आए, 100 नंबर आपके कटे तो क्यों कटे? ओवर कॉन्फिडेंस को आप कम कर सकते हो सेल्फ मोटिवेशन से। जब तक आप सेल्फ मोटिवेटेड रहोगे ना आप ओवर कॉन्फिडेंट नहीं होगे, आपका सेल्फ मोटिवेशन हट गया आप फ्रस्ट्रेट हो जाओगे, फिर आप अपने आप को विश्वास दिलाओ सिर्फ कि मैं ये कर लूंगा, मैं ये कर लूंगा, ये भी आता है वो भी आता है। ये कह रहा हूँ कि बस तीन स्टेप याद रखना, फर्स्ट स्टेप क्लास नोट्स जरूर याद करने हैं, सेकंड स्टेप डीपीपी, और थर्ड स्टेप सक्सेस मैग्नेट्स। सक्सेस मैग्नेट्स आप यूज़ करोगे किस चीज़ के लिए? अपने दिमाग को शार्प करने के लिए, अपने कॉन्सेप्ट्स को बिल्कुल क्लियर करने के लिए। आप जब सक्सेस मैग्नेट कर रहे होंगे ना, आपको हर एक क्वेश्चन को सॉल्व करने का आपका खुद का पॉइंट ऑफ व्यू बन जाएगा, आपका सेल्फ मेड पॉइंट ऑफ व्यू जो होता है कि आप एक क्वेश्चन को, जो क्वेश्चन आप पहले 15 सेकंड में करते थे वो आप क्वेश्चन आप 3 सेकंड में करोगे मैक्सिमम, और फिर आप टेस्ट सीरीज जब स्टार्ट करोगे ना करने, उस टाइम पता चलता है कि आप कितना फास्ट कर सकते हो। अब मैं आपको मेरा एग्जांपल दूँ तो आपको लगेगा मतलब मजाक भी, मैंने मैक्सिमम 88 मिनट्स में ख़त्म किया था पूरा टेस्ट 180 क्वेश्चंस वाला। मेहनत करोगे ना आपको सेल्फ मोटिवेशन मिलेगा, आप कर सकते हो, और जब तक आप जितने ज़्यादा टेस्ट प्रैक्टिस करोगे ना उतने आपको नए क्वेश्चंस मिलेंगे। और 12th का मैंने एग्ज़ाम ही नहीं दिया था, अकेडमी था ही नहीं मेरे पास। नहीं केमिस्ट्री में मैंने जो फॉलो की थी वो बता देता हूँ आपको, मैंने फिजिकल केमिस्ट्री में फॉलो की थी एन अवस्थी की बुक, इनऑर्गेनिक में मैंने प्रैक्टिस नहीं करी थी एनसीईआरटी, ऑर्गेनिक में मैंने MH1 कभी कभी की थी, बाकी फिर मैंने एलन काशी मॉड्यूल सॉल्व किए थे बस। नहीं बिल्कुल भी जरूरी, मैं तो कहता हूँ MH1 उठाना भी मत, फ्रस्ट्रेशन देगा सिर्फ MH1 आपको, फ्रस्ट्रेशन के सिवा कुछ नहीं मिलेगा उस बुक के अंदर, क्योंकि बहुत हाई लेवल क्वेश्चन बहुत ज़्यादा। और होती है स्क्रिबलिंग पावर, मसल मेमोरी बोलते हैं, जब तक आप स्क्रिबलिंग कर रहे हो आप करोगे ना तब तक आप याद रहेगा। बायोलॉजी जब आप पढ़ने बैठते हो एक साइड आपकी एनसीईआरटी खुली है, एक साइड बस आप एक रफ पेपर ले लो, सिर्फ सिंगल पेपर, उस पर फोकस नहीं करना आप क्या लिख रहे हो, आपने दो लाइन पढ़ी लिखते चलो उसका मेन मेन वर्ड, ठीक है, जब एक लाइन के ऊपर आपने 6 लाइन लिख दी मतलब नहीं है उस पर क्या लिखा जा रहा है, आपका हाथ लिख रहा है बस, मैटर वो कर रहा है, क्योंकि जब आपके एग्जाम में क्वेश्चन आएगा ना वो क्वेश्चन रीड करते ही आपका दिमाग ये नहीं कहेगा कि ऑप्शन रीड करने, आपका दिमाग कहेगा मेरा वाला ऑप्शन कहाँ पे है, स्पीड उस टाइम बनती है, ठीक है। लास्ट में बस यही कहूँगा डीके सर का सबसे बड़ा इंपॉर्टेंट रोल था, और फिजिक्स पॉइंट पे आपने अगर एडमिशन लिया है आपका सबसे बेस्ट स्टेप यही है कि आपने फिजिक्स पॉइंट को चूज़ किया है, ठीक है। आगे तो मैं यही कहूँगा कि बस मैं चाहता हूँ कि अगली बार ये स्टेज
बहुत वो पढ़ना चाहिए अब छोटा, कि सारे बच्चे इस स्टेज पे आए, नेक्स्ट बैच को एड्रेस करें। और आप सभी को ऑल द वेरी बेस्ट फ्रॉम माय इन एडवांस। थैंक यू।